कंप्यूटर कूटनीति में इमरान फिर फेल। पाकिस्तान की फजीहत का मानसून सेल। पाकिस्तान की इंटरनेशनल किरकिरी जारी है। आतंकिस्तान एक लाइलाज बीमारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। और आज राष्ट्रवाद में खबर बड़ी ही दिलचस्प है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की हिगड़ी, जो अपने मसूद अजहर और हाफिज सईद के दम पर रखते थे, आज एक बार फिर से निकल गई। जी हां, उनकी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर फिर किरकिरी हुई है। और इस किरकिरी के पीछे एक बड़ी मुखालफत पाले बैठे इमरान खान की गलती ही थी। जी हां, इमरान खान जरूर अपने आतंकियों के दम पर कहीं ना कहीं एक मुखालफत पालकर बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी हर बार उनकी देश में कुछ ऐसा होता है जो अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर उन्हें और उनके देश की कूटनीति को धराशायी कर देता है। इन हेडलाइंस को देखकर पाकिस्तानियों की बांछें खिल गई थी। भूखमरी से परेशान पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाने लगी। हो भी क्यों ना, उनके प्यारे और सेना के प्यादे प्रधानमंत्री इमरान खान के रूस जाने की खबर जो आई थी, वो भी खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर। खबरों में दावा किया गया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की सितंबर में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए रूस जाएंगे। ये खबर पाकिस्तानियों को कैसे हासिल हुई, इसके बारे में लिखा गया है कि सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि इमरान खान रूस का न्योते पर वहां जाएंगे। खबरों में ये भी दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद न्योता भेजा था, जिसे इमरान खान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस खबर ने समूचे पाकिस्तानियों को खुश कर दिया। पाकिस्तानियों को ये लगने लगा कि चीन को तो वे सालों से बेवकूफ बनाते आ ही रहे हैं, अब पुतिन का रूस भी उनकी जेब में आ जाएगा, जिससे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश वाला सपना और हिंदुस्तान को घेरने की उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। और इमरान समेत आतंकीस्तान के गैंग का हर मेंबर इस साजिश वाले सपने को हकीकत में बदलते की कहानी से ही खुश हो रहा था। रूस के बुलावे पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए इमरान खान के रूस जाने की खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगी। खबरों में ये भी दावा किया गया कि व्लादिमीर पुतिन ने बीते महीने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बीच ही ये आमंत्रण इमरान खान को दिया था, जिसे इमरान खान ने दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। ईईएफ यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक रूस के व्लादिवोस्तोक में 4 से 8 सितंबर तक आयोजित होगी। ये बैठक हर साल आयोजित होती है, लेकिन इस बार की ये बैठक हमारे लिए क्यों खास है, ये भी जरा समझ लीजिए। इस बार की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर चीफ गेस्ट पर आमंत्रित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट जाने के लिए आमंत्रण स्वीकार भी कर चुके हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी के शामिल होने की खबर हफ्तों पहले आ गई थी। इसके बाद हाल ही में इमरान खान के रूस जाने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि चाहे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ जाएं, लेकिन उनकी पुरानी इच्छा रही है कि वहां तक पहुंच जाए जहां जहां हिंदुस्तान पहुंचता है। यही वजह है कि इमरान खान के रूस जाने की खबरों से कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी हुकूमत से जुड़े लोगों का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। लेकिन कुछ ही घंटे बीते थे कि रूस ने भांडा फोड़ दिया और इमरान खान का दिल तोड़ दिया। इमरान खान के रूस जाने की खबर आने के बाद पाकिस्तानियों के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन रूस ने सच्ची खबर बताकर दुनिया के सामने सच्चाई रखकर पाकिस्तान को फिर उसकी औकात याद दिला दी। रूस की तरफ से एक खबर आई और बैठक में भाग लेने के लिए इमरान खान को रूस भेजने वाले सारे सूत्र ऐसे गायब हो गए जैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र गायब हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान के रूस जाने की खबर उड़ाए जाने के बाद रूस की तरफ से सफाई आई कि उन्होंने तो कभी इमरान खान को न्योता दिया ही नहीं था। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पाकिस्तान के बैठक में भाग लेने की जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं। रूस ने साफ कर दिया कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक के लिए मंगोलिया, मलेशिया, जापान और हिंदुस्तान को ही न्योता मिला है। बैठक में शामिल होने वाले देशों में पाकिस्तान का कहीं भी जिक्र नहीं है। रूस की तरफ से जानकारी सामने आने के बाद साफ हो गया कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान में झूठ की फैक्ट्री से भी लगातार प्रोडक्शन हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक का एक्सपोर्ट करने के साथ साथ झूठी खबरें भी भेज रहा है।
दुनिया में अपनी वकूत को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेना और साजिश रचना पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान वाली खबर से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान रूस के करीब जाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान बेकरार क्यों हो रहा है? क्या रूस और भारत के परंपरागत संबंधों में दरार डालने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान का प्रयास रूस के पास जाने के दो हैं। एक तो वो डिफेंस आर्मामेंट्स चाहते हैं कुछ, दूसरा वो रशिया और भारत के बीच के रिश्तों में गैप बढ़ाना चाहते हैं कि अगर हम रशिया के पास होंगे तो रशिया फिर भारत का उतना स्ट्रांग फ्रेंड या सपोर्टर नहीं होगा जितना हम पहले से होते आए हैं। तो पाकिस्तान भारत और रूस के रिश्तों को के बीच में कुछ नमी लाने की प्रयास करता है। इस कारण वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी दोस्ती हो रही है और उनकी कोशिश ये है कि भारत और रूस के बीच में दरार डालने की, जो कभी संभव नहीं हो सकता। रशिया उनके साथ बातचीत ज़रूर करता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो रशिया इनको यूज़ करना चाहता है वेस्ट एशिया में जाने के लिए, लेकिन ये कि उसके संबंध घनिष्ठ भारत के साथ हैं और रशिया इनको इस्तेमाल इसलिए भी करता है कि तालिबान और आतंकवादी संगठन जो इनके यहाँ चल रहे हैं उनको लेके। रूस ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इसीलिए बनाया है ताकि वो अपने मुल्क के पूर्वी इलाके में विदेशी निवेश को बढ़ा के विकास की रफ्तार को तेज कर सके। लेकिन जब इस बैठक में बहुत सारे मुल्क के लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे मुल्क इकट्ठा होते हैं, तो एक दूसरे से बात करके वहां की योजनाओं पर विकास की बात होती है और एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाने पर बात होती है। इसीलिए कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान ये कोशिश में था कि वो वहां जाए और कुछ ना कुछ फंड उसके हाथ लग जाए, लेकिन रूस के मना करने के बाद, दुनिया के सामने झूठी खबर को दिखाने के बाद अब पाकिस्तान सिर्फ ताकता रह जाएगा। देखिए, जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है जो व्लादिवोस्टोक में होता है, ये दुनिया का एक बहुत ही अहम और रूस का सबसे प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम है। रशिया अपनी तरफ से, जहां रशिया विदेशों को इनवाइट करता है आकर के इकोनॉमिक्स डिस्कस करने में, इसलिए बहुत प्रेस्टिजियस है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो भी जा रहे हैं उनका प्रेस्टीज बढ़ता है, जो वर्ल्ड समिट्स वगैरह होती हैं, और अब की बार रूस ने इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को एज द चीफ गेस्ट बुलाया है। और ये फोरम इन्वेस्टर्स की है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगी। पाकिस्तान के पास तो पैसा इन्वेस्ट करने को है नहीं, वो तो खुद ही दूसरे देशों से पैसा इकट्ठा कर रहा है अपनी इकनॉमी को चलाने के लिए। उसकी इकनॉमी इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स है, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल कोलैप्स हो रही है। उसके बाद उनको कौन इन फोरम्स में इन्वाइट करेगा, ये बात इमरान खान को सोचना चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इंसल्ट ये उनकी भी और उनके देश की भी। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान को रूस का खास तौर पर साथ मिलता रहा है। मिग और सुखोई लड़ाकू विमानों से लेकर अमेठी में AK-47 की फैक्ट्री बिठाने तक के लिए रूस हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सबसे करीबी देशों में से एक रूस को अपने साथ करने के लिए बेचैन रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ये बेचैनी हर दफा उसके खिलाफ ही जाती है। अभी भी हम S-400 रूस से खरीदेंगे, न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर रूस से ले रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर की हम जो न्यूक्लियर पार्ट बनाना चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी हम रूस से हासिल कर रहे हैं, फिर कुछ और प्रकार की फ्रिगेट्स जो हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो हैं, वो या तो हम रशिया से खरीदते हैं या फ्रांस वगैरह से। अमेरिका से आज तक नहीं खरीदी, ना सबमरीन ना ही खरीदने जा रहे हैं। फिर जो हमारा मेन बैटल टैंक है T-90, वो भी हम रशिया से ही खरीद रहे हैं। SU-30 अभी हम और लेना चाहते हैं, वो तमाम रशिया से ही लेंगे। हमारे जो प्रमुख हेलीकॉप्टर्स हैं हिंदुस्तान मेक इन इंडिया में, जो हेलीकॉप्टर्स इस समय हिंदुस्तान को कम से कम 500 हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है, उससे हमारी ट्रीटी रशिया के साथ साइन हुई है। रशिया के साथ मिलकर हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी और हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। जब कोल्ड वॉर का दौर था तब पाकिस्तान ने रूस और अमेरिका के बीच अमेरिकी ध्रुव को चुना था, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी रूस का खास साथी नहीं रहा। लेकिन अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकियों की फंडिंग को लेकर इमरान खान की कान कई दफा मरोड़ चुके हैं, तब पाकिस्तान को रूस वाला रास्ता दिखने लगा है। पाकिस्तान ने हमेशा रशिया का विरोध किया है, जब सोवियत यूनियन था उसका भी और रशिया का भी।
तो ये रिलेशंस ऐसे हैं जो इम्प्रूव नहीं हो सकते। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उसके कारण रशिया इनसे डील कर रहा था, लेकिन और वो ये ख़ासतौर से फोरम जो है जिसमें जिसके चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, उसके अंदर ये स्वयं खुद से जाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए रशिया ने इनको साफ मना कर दिया। चीन के साथ साथ रूस को भी झांसा देने की फिराक में है पाकिस्तान, लेकिन जो बात शी जिनपिंग नहीं समझ पाए वो पुतिन सालों पहले समझ चुके थे। पुतिन को पता है कि ये वही पाकिस्तान है जो चेचेनिया में धर्म के नाम पर आतंकी आग को सुलगाता रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिकी फंडिंग हासिल करके रूस के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रचता रहा है। फजीहत कही है, परेशानी, पाकिस्तान को कॉर्नरिंग। देखिए, पाकिस्तान इस समय इंटरनेशनल थिएटर में कॉर्नर होता जा रहा है, हर चीज को लेकर ये किनारे करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का प्रयास ये है कि मैं दुनिया की मेन स्ट्रीम में होकर के पार्टिसिपेट करूं। तो अगर ऐसे फोरम में पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली एक तरह से पाकिस्तान की साइडलाइनिंग होती जा रही है बढ़ के दुनिया में, जो कि पाकिस्तान के लिए, उनके देश के लिए डेफिनेटली नुकसान की बात है। इमरान खान के रूस जाने की झूठी खबरों के बीच ये खबर भी सामने आई कि मॉस्को में पुतिन के सलाहकार और रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश के बीच मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की तैयारियों के बारे में चर्चा की। दोनों देशों के बीच हाल ही के सालों में व्यापार को बढ़ाने को लेकर लगातार चर्चा हुई है और कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने तेजी से कदम आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच अटूट और गहरी दोस्ती से भी दोनों देशों के संबंधों में बेहतरी आई है। रूस के साथ 2-4 बार मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेने वाले पाकिस्तान की उम्मीदें काफी बढ़ चली थी, लेकिन रूस ने आखिरकार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा ही दी। अमेरिका मना करता रह गया कि भारत रूस से S-400 ना लेकर अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले, लेकिन भारत ने अमेरिका को अच्छी तरह समझा दिया। मोदी सरकार ने अमेरिका को मना लिया कि रूस भारत का पुराना साथी है, इसीलिए अमेरिका के बदले रूस के साथ भारत खड़ा रहेगा, और इसी का नतीजा भी है, रूस ने इसे सलाम भी किया, और इसी का नतीजा है कि ईएएफ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां जाकर बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर उस बैठक में हिस्सा लेंगे। ऐसे में इमरान खान रूस और भारत की इस दोस्ती में दरार डाल पाए, ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कि हमने S-400 मिसाइल्स लेने से कंफर्म्ड है, हमने अमेरिका को मना कर दिया कि हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे, हम सबमरीन्स भी हो सकता है शायद रशिया से लेंगे, उसके लिए हमने डॉलर के अलावा यूरो मैकेनिज्म भारत ने एस्टैब्लिश करा है रशिया से ट्रेड का। तो भारत मेरे ख्याल से अब एक तरह का रीलुक कर रहा है और अपने रशिया के रिश्तों को हम वापस बढ़ाने के और आगे ले जाने के रास्ते पे हैं। उगलने वाला पाकिस्तान हर दफा उन इलाकों में कोशिशें करता है जहां के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं, जहां उसका हाथ तंग है। कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान कैसे पिटा, उसकी कहानी तो साफ हो चुकी है। अब ये भी जान लीजिए कि इमरान खान कंप्यूटर वाली क्लास में भी फेल हो चुके हैं। सरहद पर बार बार घुसपैठ करने वाला पाकिस्तान साइबर की दुनिया में भी घुसपैठ करने की ताक में रहता है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की कंप्यूटर हैकिंग की हरकतें कई बार उजागर हुई है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत की एक पहचान आईटी और सॉफ्टवेयर से भी है, और इसीलिए कूटनीति के बाद भारत ने पाकिस्तान की इस कंप्यूटर वाली कुटिल चाल का भी पर्दाफाश कर लिया। भारतीय सेना ने किया खुलासा, पाकिस्तान रच रहा है व्हाट्सएप वाली साजिश। वो किसी न किसी तरीके से बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फेक इन्फॉर्मेशन के जरिए से उनके सिस्टम के ऊपर, उनके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वो अटैक करते हैं, जो कि एक कम जानकार व्यक्ति जिसे कि टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, वो बहुत सहर्ष इसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो धीरे धीरे इसमें फंसने स्टार्ट हो जाता है।
भारतीय सेना ने एक बार फिर ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान साइबर संसार में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है। सेना ने सोशल मीडिया पर सक्रिय अपने सैनिकों और अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। भारतीय सेना ने आगाह कर दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने से खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी साजिशकर्ता खुफिया जानकारी पाने के लिए भारतीय सेना के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने की साजिश रच रहे हैं। सोशल मीडिया में पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश के बारे में जानकारी मिलने के बाद सेना ने पूरी तैयारी कर ली कि कोई भी खुफिया सूचना लीक न हो पाए। जब भी कोई हम थर्ड पार्टी ऐप्स या गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, ये मान के चलिए कि चांसेस होते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर जो डेटा है, जहाँ तक हमारे मैसेजेस हैं, यहाँ तक कि हमारी जो जीपीएस की लोकेशन है, ये कहीं ना कहीं लीक होने का खतरा रहता है। आजकल एक नया ट्रेंड और चला है ऐप बाइंडिंग का, जिसमें एक ऐप के साथ दूसरी कोई भी ऐप, मान लीजिए आप कोई एक पर्टिकुलर किसी वीडियो प्लेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, उसके साथ एक स्पाइंग ऐप का कोड बाइंड करके उसको आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब जैसे ही आप अगर उसको एक बार इंस्टॉल कर देंगे, चाहे आपका नेट बंद हो चाहे चालू हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो आपकी जितनी भी लोकेशन है, आपकी कॉल हिस्ट्री है, आपकी चैट हिस्ट्री है, यहाँ तक कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ये सारी जिसने उस यूजर को भेजा, जिसने उस ऐप को डेवलप किया, उसके पास ही भेजना शुरू कर देते हैं। सैनिकों को खास तौर पर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर आने को कहा गया जिसके सारे मेंबर्स को सैनिक पहचानते ना हो। हाल ही में जारी किए गए निर्देशों को सेना के अलग अलग फॉर्मेशंस को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि कुछ घटनाओं के बाद सेना ने ये कदम उठाए हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सैनिकों से सेना की कई संवेदनशील जानकारियों को जुटाने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान में बैठी एजेंसियां भारतीय सेना के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगातार कोशिशें करती रही हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल सैनिकों और अफसरों से जानकारियां इकट्ठा करने की बड़ी साजिश रची। हालांकि सेना ने पहले ही पाकिस्तानी साजिश का खुलासा करके सैनिकों और अफसरों को सावधानी बरतने की सलाह दे दी है। माना जा रहा है कि खतरा उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा होता है जिसमें सेना से जुड़े लोगों के साथ साथ दूसरे लोग भी शामिल होते हैं। जाहिर तौर पर सेना से जुड़े लोगों के लिए उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर रहना ज्यादा सुरक्षित है जिसके हर सदस्य को वो व्यक्तिगत तौर पर जानते हों। व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी के पॉइंट्स आते हैं, जिसमें 1:1 इंक्रिप्शन की बात कही जाती है। आपको अपने सेटिंग में जाके उस पार्ट को एक्टिवेट करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं किसी दूसरे लोग से बात कर रहा हूँ तो वो बात सारी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है और तीसरा व्यक्ति बीच में आने की कोशिश करता है तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। नॉर्मली हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन तीसरे लोग तक पहुंच जाती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए सैनिकों और अफसरों को हनी ट्रैप करने और उससे सेना की जानकारियां हासिल करने की पाकिस्तानी साजिशों का खुलासा हुआ है। कई बार इन घटनाओं में सैनिकों से लेकर ऊंचे रैंक पर तैनात अफसर भी शामिल थे, जिन्हें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हनी ट्रैप किया गया और फिर ब्लैकमेल। ऐसे मामलों पर कई बार सैनिकों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। मोस्टली ये जो कोशिश करते हैं कि फीमेल्स के नाम से IDs बनाते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर वो ऐड होते हैं, जिसमें ये बहाना मारा जाता है कि ठीक है हम मतलब आपसे कम्युनिकेट करें, हम आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप सर्किल बनाना चाहते हैं। इस बहाने से वो ग्रुप्स में एंटर हो रहे हैं और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, या कि उनका मूवमेंट है रेगुलर, उनकी जो कहाँ चैट्स हो रही है, किस पॉइंट को रिगार्डिंग हो रही है, उन सबको निकाल कर वो जो पाकिस्तानी जो एजेंसीज है ISI उसके पास ये भेजी जा रही है। साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किसी अनजान शख्स के लिए किसी दूसरे सदस्य की जानकारियां हासिल करना बहुत आसान हो गया है, इसीलिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। ISI से जुड़े पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं ने जानकारी हासिल करने के लिए फोन को घोस्ट मास्क करके डाटा चुराने की कोशिश भी की, लेकिन माना जा रहा है कि सेना अपने सैनिकों और अफसरों को साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूक करने में कामयाब रही है और एक बार फिर पाकिस्तानी साजिश का खुलासा होने से ISI हाथ मलते रह गई। तकनीक से लेकर ताकत तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन बावजूद इसके भी अपने देश के लोगों के विकास की चर्चा करने के बजाय वहां की हुकूमत बमबारी की बकवास करती है। जाहिर है दुनिया ने तो पाकिस्तान को अलग थलग कर ही दिया है और अगर वो नहीं सुधरा तो बिल्कुल अकेला भी पड़ जाएगा। फिलहाल राष्ट्रवाद में इतना ही, कल किसी राष्ट्रहित के और सब्जेक्ट के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।